हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का स्टूडेंट लेक्चर 6 में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं 3 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन, क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। अगला क्वेश्चन जो बार बार सीबीएसई और अदर बोर्ड में आता है कि व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म इंटरस्टीशियल कंपाउंड, तो हमारे माइंड में अगला क्वेश्चन उठता है इंटरस्टीशियल कंपाउंड होते क्या है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, एग्जांपल्स क्या हैं, एंड व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय की फॉर्मेशन मैक्सिमम जो एलॉय बनते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट के बनते हैं, ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से एलॉय फॉर्मेशन जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट करते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट भी करते हैं मगर जनरली एलॉय फॉर्मेशन ट्रांजिशन एलिमेंट करते हैं, ऐसा क्या है। इन सब क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन। तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन की बात करूं तो आपको मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंप्लीट टीच कर चुका हूं और उसकी प्लेलिस्ट आपकी वीडियो के एंड में इसमें आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। पहली बात तो उसे आप ढंग से करें, और अगर जिन बच्चों ने कोऑर्डिनेशन कर लिया है स्टूडेंट वो समझ सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितने भी आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किए जे आर जनरली फॉर्म्ड बाय ट्रांजिशन एलिमेंट। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट भी कुछ बनाते हैं जैसे अल्कली मेटल, लिथियम, एल्यूमिनियम, बट क्या है बहुत ही कम बनाते हैं, गिनती के बनाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बनाते। जनरली क्या करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम और क्या कह लेते हैं स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जैसे एग्जांपल दूं मैं, निकल टेट्रा कार्बोनिल, वैसे इसका यूपीसी नेम क्या होगा, टेट्रा कार्बोनिल निकल जीरो, मैं वैसे बोलने के लिए कहता हूं K4FeCN6। अब यहां पे ये जो है ये कॉम्प्लेक्स आयन है, इनके और इसके बीच में आयनिक बॉन्ड है, मगर यहां पे कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जिन स्टूडेंट ने मेरा पहला वीडियो देख रखा है उन्हें पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं, फिर भी अगर किसी को नहीं पता तो मैंने क्विक रिवीजन के लिए एक छोटा सा बना रखा था कि आपको पता चले कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं और क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, मान लो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव हेक्साफ्लोराइडो कोबाल्टेट 3rd आयन। अब इसकी अगर हम बात करें तो कैसे बनता है, ध्यान से देखिए 3d7 है तो हमने 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दिए, पहले 5 6 7 4s2 है पहले ये ग्राउंड स्टेट में। अब इसी वजह से स्टूडेंट जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं, यही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। अब मैं कहूँ कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आयन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कैसे निकालते हैं आप सबको मैंने वैसे पहले ही बता रखा है, फिर भी रिकॉल कर देता हूँ। तो क्या करते हैं हम, फ्लोरीन पे चार्ज कितना होता है -1, तो -6 हो गया, और नेट पे चार्ज क्या -3, x=+3, यानी कोबाल्ट यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 का मतलब हो गया हमें 3 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करना है, 2 यहाँ से चले जाएंगे 1 यहाँ से, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन जैसे ये 2 ये निकाले, कई स्टूडेंट इससे निकाल देते हो यहाँ खाली छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता, लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां पे फिल होगा उस इलेक्ट्रॉन को आपने क्या करना है बाहर निकालना है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे कितने, इसको लिगेंड्स बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन और न्यूट्रल आयन विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड लिगेंड्स। तो ये जो लिगेंड्स हैं स्टूडेंट, जितने लिगेंड्स होते हैं उतने एम्प्टी ऑर्बिटल होने जरूरी हैं। अब हुआ क्या कि कोबाल्ट के पास जब फ्लोरीन आता है, अब हम अगला स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहाँ पे जैसे ये है, तो इसके पास 6 फ्लोरीन है, तो 6 फ्लोरीन क्या करेंगे, हर एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन देगा वो कौन लेगा, एम्प्टी ऑर्बिटल्स। अब क्योंकि इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं स्टूडेंट, तो जिसकी वजह से लिगेंड्स अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जब इनको देता है तो उनके बीच में क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, दे आर जस्ट लाइक ए कोवलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट बोथ इलेक्ट्रॉन आर गिवन बाय द सिंगल स्पीसीज, तो इनके बीच में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो आप यहां से समझ सकते हैं स्टूडेंट कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन क्यों करते हैं, तो आप क्या रीजन लेंगे, तो इसके क्या रीजन आते हैं, 3 रीजंस आपको लिखने होते हैं। सबसे पहला क्या है, स्मॉल साइज, जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट का साइज इन कंपेरिजन टू अल्की मेटल स्मॉल है। फिर आप कहेंगे सर पी ब्लॉक से कंपेयर करें, तो पी ब्लॉक के स्टार्टिंग के जो ऊपर है उसमें नॉन मेटल है, नीचे जाते हैं उनका साइज फिर बढ़ गया, तो इनका साइज स्मॉल होता है। सेकंड रीजन आता है हाई न्यूक्लियर चार्ज, इनका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है,
अलग अलग बुक्स में अलग अलग बातें होती है। कई जगह लिखा होता है आयनिक चार्ज ज्यादा है। आयनिक चार्ज का मतलब होता है स्टूडेंट चार्ज अपॉन साइज रेशियो। अगर हम चार्ज अपॉन साइज रेशियो की बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट का चार्ज अपॉन साइज रेशियो भी क्या होता है, हाई होता है, जिसकी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। और थर्ड और मेन रीजन जो मैं कहता हूं कि सबसे मेन रीजन जो मैं मानता हूं जिसकी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स। कि ट्रांजिशन एलिमेंट के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी वजह से दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये तीन रीजन आपने एग्जाम में लिखने, बोर्ड में पूछा जाता है व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो आप लिखेंगे ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, स्मॉल साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज और हाई आयनिक चार्ज या चार्ज अपॉन साइज रेशियो, एंड थर्ड इज ड्यू टू वैकेंट ऑर्बिटल्स, दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय द नेगेटिवली चार्ज लिगेंड एज वेल एज न्यूट्रल लिगेंड्स, दस दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट कि इंटरस्टीशियल कंपाउंड क्या होते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट इंटरस्टीशियल कंपाउंड क्यों बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में। सॉलिड स्टेट में भी ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वहां पे हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं जब ये सॉलिड स्टेट में पूछा जाता है। सॉलिड स्टेट फर्स्ट चैप्टर जो आपका उसमें भी ये क्वेश्चन आता है, वहां पे किस तरह से क्वेश्चन आएगा, इंटरस्टीशियल सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, ये भी एक सॉल्यूशन का टाइप हो जाता है कि जिसमें दो सॉलिड आपस में मिलते हैं तो इसको हम इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन के टाइप में भी आता है, सॉलिड के टाइप में भी आता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट अपने आप में क्वेश्चन बनता है, कहीं पे भी आ सकता है कि इंटरस्टीशियल कंपाउंड क्या होते हैं, इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो सबका आंसर सेम है स्टूडेंट, ए मैंने डायग्राम इंटरस्टीशियल के लिए बना रखा है। होता है क्या स्टूडेंट, जब हम मेटल की बात करें तो कोई भी जो मेटल होता है, मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था, मेटल एक क्या करता है, पर्टिकुलर ज्योमेट्री ऑक्यूपाई करता है, एससीपी, सीसीपी, एफसीसी। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। वीडियो के ऊपर एक आई बटन आता है, उसे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो इससे रिलेटेड और वीडियो है वो आपको मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम ध्यान देखें जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये क्या करते हैं, ज्योमेट्री शो करते हैं, तो इनके एटम, मान लो मैं बात कर रहा हूँ स्फेरिकल नेचर है, तो ये आपस में एडजस्ट, मान लो आपने क्या किया, कमरा है, इस कमरे को फुटबॉल से भर दिया पूरे को अच्छी तरह, तो क्या ये सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, तो आपने कहा सर नहीं, सारा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा। अगर हम चार फुटबॉल की बात करें जो आपस में अटैच है, उनके बीच में खाली जगह रहेगी, तो जो एम्प्टी स्पेस है बिटवीन द फोर स्फीयर जब आपस में मिल रहे हैं, उसी को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टीशियल साइड, क्या बोलते हैं, इंटरस्टीशियल साइट, और इसी को हम कई बार बोल देते हैं इंटरस्टीशियल वाइड, एम्प्टी स्पेस। तो जो ये एम्प्टी स्पेस होता है स्टूडेंट, इसके अंदर क्या करते हैं, हम मेटल लिया हमने, मेटल को पहले हम पिघला देते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं किस टाइप के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, टाइटेनियम H2, टाइटेनियम एच, Fe3C, Fe3H, ये मैंने कंपाउंड बना दिया। अब आप यहां पे देखेंगे तो ये तो मेटल है आपका ट्रांजिशन मेटल, अब इसके साथ मैंने क्या कर रखा है, नॉन मेटल, हाइड्रोजन, कार्बन, इसी तरह नाइट्रोजन। तो जो स्मॉल साइज जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एटम होते हैं, उनको जब हमने मेटल को पहले क्या करते, पिघला दिया, और उसके अंदर हमने स्मॉल साइज जब हम एटम डालते हैं, तो ये जो एटम है हाइड्रोजन के, कार्बन के, ये इन इंटरस्टीशियल साइज में जाकर फिट हो जाते हैं। फिर हम इसको कूल कर लेते हैं, कूल करने के बाद जो हमें नया सब्सटेंस मिलता है, नया सॉलिड मिलता है, उसी को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टीशियल कंपाउंड। अब अगला क्वेश्चन अराइज होता है, सर ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट हैव एम्प्टी स्पेस बिटवीन द एटम्स, एंड सेकंड दे हैव टेंडेंसी फॉर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, ये भी एक रीजन होता है। अब जो ये इंटरस्टीशियल कंपाउंड बन गया स्टूडेंट, क्या ये स्टिक्योमेट्रिक होते हैं, तो आंसर याद रखना दे आर नॉट स्टिक्योमेट्रिक। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी फार्मूला लिख दिया, इस फार्मूले का मतलब ये नहीं है कि टाइटेनियम 2 पॉजिटिव है, जैसे कि हम जनरली बात करते हैं H नेगेटिव है, नहीं इसका ये मतलब नहीं है, ध्यान रखना। दे आर नॉट आयनिक कंपाउंड एज वेल एज दे आर नॉट कोवलेंट बॉन्ड, ना तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बन रहा है, ना यहाँ पे कोई कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, ये नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड है। इसको हम जनरली वैसे लिखना ऐसे चाहिए, टाइटेनियम 1.7,
कहने का क्या मतलब है, कितना हाइड्रोजन एटम उसका फ्रैक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये फार्मूले का मतलब Fe3H का मतलब ये नहीं कि आयरन यहाँ पे हम अगर जैसे जनरल फार्मूला हम जैसे निकालते हैं यहाँ पे प्लस वन आ गया या हाइड्रोजन के माइनस थ्री आ गया, ये यहाँ पे नहीं चलता। कई बच्चे इस बात पर कंफ्यूज होते हैं हाउ इट इज पॉसिबल सर ये कैसे हो गया, Fe प्लस वन है और H3 नेगेटिव है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे नहीं होता, ये क्या है नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड होते हैं, याद रखना इंटरस्टीशियल सॉलिड कंपाउंड आर नॉन स्टिक्योमेट्रिक। नॉन स्टिक्योमेट्रिक का मतलब क्या है कि ये एक रेशियो नहीं शो करते हैं, जैसे कि मैं हम लोग मैं NaCl 1:1 में है ऐसा यहाँ पे नहीं होता, और ना यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है ना यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है, इस बात को भी आप याद रखें। अब अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें स्टूडेंट इंटरस्टीशियल सॉलिड्स की अपने पेरेंट आइटम के कंपेरिजन, मान लो आयरन के अंदर मैंने हाइड्रोजन को एड किया तो प्रॉपर्टी क्या होगी, दे आर हार्डर देन पेरेंट आइटम, आयरन से ये हार्डर होंगे क्योंकि जो स्पेस थोड़ा बहुत खाली था वो भी इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। केमिकल इनर्टनेस शो करेंगे, दे आर केमिकली इनर्ट, ठीक है ना। तो इनकी प्रॉपर्टी के अंदर क्या आ जाता है, हाई डेंसिटी हो जाती है, तो इस तरह से इनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है स्टूडेंट, चेंज हो जाती है। नेक्स्ट हम और लास्ट आज की वीडियो की बात करते हैं एलॉय फॉर्मेशन की, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म एलॉय, एलॉय की बात करते हैं। तो एलॉय के बारे में किसी स्टूडेंट ने बहुत ज्यादा डिटेल में जाना है स्टूडेंट, तो एक वीडियो जनरल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन के अंदर ऐड की गई थी, उसका भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कौन कौन से एलॉय होते हैं वो भी आप यहां से देख सकते हैं। मगर एलॉय बनते क्यों हैं, आप कुछ सोचिए एलॉय कैसे बनते हैं, कि जब हम दो या दो से ज्यादा मेटल्स को लेते हैं और उनका मिक्सचर बनाते हैं तो एक्चुअल में क्या करते हैं, हमने दो मेटल लिए, मान लो ये मेटल M1 है, मेटल M1, और ये जो मैंने रेड से दिखा रखा है ये मेटल M2 के एटम है और ये M1 के एटम है। तो दो मेटल मैंने लिए, मैंने उनको इंडिविजुअली अलग अलग पहले क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया। मेल्ट करने के बाद दोनों मेटल को मेटल्स के मिक्सचर को मैंने मिला दिया और उसको बाद मैंने उसे कूल होने दिया और उसके बाद जो हमें नया सब्सटेंस बन गया वो एलॉय बन गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है सर इस तरह तो मैं किसी भी मेटल को क्या करूं, मेल्ट कर दूं और उसके बाद किसी दो मेटल को मिला के एलॉय बना सकता हूं, क्या इट पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं किसी भी दो मेटल को मिलाकर एलॉय बना सकता हूं, तो आंसर आएगा नहीं, ऐसा नहीं होता कि आप जो मर्जी मेटल लो उसको कर लो। जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट ही कॉम्प्लेक्स एलॉय फॉर्मेशन क्यों करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो मैंने साइज का कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने कहा पहले डिक्रीज कर रहे हैं फिर एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट हो रही है और लास्ट में थोड़ी सी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। तो अगर मैं ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करूं, अगर मैं सक्सेसिव कोई भी दो एलिमेंट को लेता हूं तो उनके बीच में बहुत ज्यादा एटॉमिक रेडियस का डिफरेंस नहीं होता। जनरली क्या कहते हैं, जो सिस्टम बना रखा है इसके एलॉय फॉर्मेशन के लिए, कि अगर साइज डिफरेंस दो मेटल एटम का 15% से बिलो होता है तभी वो मेटल आपस में मिलकर एलॉय की फॉर्मेशन करते हैं। अगर उनके बीच का साइज का डिफरेंस 15% से ज्यादा है आपस में तो वहां पे एलॉय की फॉर्मेशन नहीं होगी। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना चाहिए। तो इसकी वजह यही है, कोई कह भाई एलॉय फॉर्मेशन क्यों करते हैं, बिकॉज देयर इज ए स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ टू मेटल एटम एंड दे कैन इजिली रिप्लेस वन मेटल एटम पोजिशन विद अदर मेटल एटम पोजिशन। जब हम इनको आपस में मेल्ट करके इनको आपस में मिक्स करते हैं तो एक मेटल आइटम दूसरे मेटल आइटम की पोजीशन ले लेता है, वो उसकी जगह ले लेता है और इस तरह से हमें जो कॉम्प्लेक्स जो हमें आफ्टर कूलिंग जो हमें सब्सटेंस मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं एलॉय। जैसे कि आप स्टील की बात करें, स्टेनलेस स्टील, अब स्टेनलेस स्टील की बात करें तो इसमें आयरन तो मेन कंपोनेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसमें हम क्या क्या मिला देते हैं, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टाइटेनियम, इवन निकल का मिक्सचर डाल देते हैं, कार्बन। जब कार्बन के साथ बात करते हैं दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल कंपाउंड, ठीक है ना। तो अलग अलग इनके परसेंटेज के बेस पे स्टेनलेस स्टील के भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। स्टील के ऊपर ही मैंने एक वीडियो बना हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं स्टूडेंट कि जो एलॉय फॉर्मेशन होती है वो डिपेंड करती है कि भाई उसमें क्या हमने ऐड किया। इसी तरह ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे कहा कि केवल ट्रांजिशन एलिमेंट या नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट भी, जैसे कॉपर हो गया और जिंक हो गया, जैसे ब्रास, ठीक है ना, ब्रॉन्ज की बात करें कॉपर और टीन। अब टीन क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, मगर ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, आपको बता रखा है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, तो यहाँ ब्रास की फॉर्मेशन होगी। तो ये हो क्यों रही है, इसके पीछे लॉजिक ये होता है जब इनके मेटल एटम के बीच में जो साइज का डिफरेंस है जब वो 15% से कम होता है स्टूडेंट, तभी वो क्या करते हैं
एलओए की फॉर्मेशन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है सर, एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी कि सर इनकी प्रॉपर्टी पे कोई फर्क पड़ेगा? यस, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। क्या आप समझ सकते हैं? दे आर हार्डर देन पेरेंट एटम, हार्डर हो जाएंगे। दूसरी बात क्या है कि कोरोजन की बात करें, जैसे आपने देखा होगा आयरन पे लोहे पे जंग लग जाता है इजिली, मगर स्टील पे नहीं लगता, ठीक है ना। तो क्रोसिव नेचर क्या हो जाता है इसका? डिक्रीज कर जाता है। मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक काफी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। जहां कहीं स्टूडेंट आपको डाउट फील होता है वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। कल की वीडियो में मैं बात करूंगा कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, बहुत कुछ नया आपको सीखने को उसमें मिलेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।